सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का रायता। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का गाजर लेके उसको अच्छे से पील कर लिया और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। तो अब हम लेंगे एक पैन और उसमें इसको डाल देंगे। हाफ कप वाटर डाल देंगे इसमें और अब लगभग 5 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो 5 मिनट में पूरी तरह पककर तैयार हो जाएगी जितनी हमें रायते के लिए चाहिए। तो अभी देख रहे हैं हमारी गाजर यहाँ पर पक चुकी है, तो इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर लेंगे 2 कप दही। फिटा हुआ दही लिया है मैंने यहाँ पर, और जो गाजर हमने ठंडा किया था पका कर उसको अब इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हम गाजर भजा कर रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर को हमने अच्छे से दही में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून लिया है लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून लिया है नमक, वो हम इसमें डाल देंगे। 1/2 टीस्पून लिया है काली मिर्च और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। 1/2 टीस्पून डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव। 4 से 5 डालेंगे मिंट लीव यानी पुदीना पत्ता। और अब इन सबको डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इन सभी को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। रायता बनकर हमारा तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हमने लिया है एक तड़का पैन और उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून ऑयल। अब इसको गरम कर लेते हैं और यहाँ पर 2 बारीक लहसुन की कलियाँ चॉप की हुई हम डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे जीरा सीड और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए। तो इनको हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। बस अब ये रायते में हम डाल देंगे और ऊपर से ढक देंगे ताकि रायते में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और 5 मिनट के लिए इसको ढका रहने देंगे इसी तरीके से। तो अब 5 मिनट बाद हम रायते को चेक कर लेते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से स्पून से। अब हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमने गाजर थोड़ा बचा कर रखा था वो हम इस पर लगा देंगे और साथ ही में लगा देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव। लीजिए, हमारा गाजर का रायता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।